कैसे हो? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम चौथा पाठ सोना और लोहा पढ़ेंगे सीखेंगे। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। तो देखते हैं पाठ सोना और लोहा। आओ हम लेखक का परिचय कराते हैं। ये है रामेश्वर दयाल दुबे जी। इनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुई। इनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा, कुकड़ों को, प्यारे बच्चे, धरती के लाल आदि। इन्होंने बहुत सारा बाल साहित्य लिखा है, इसलिए यह बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ जो है सोना और लोहा, इस संवाद रूप के पाठ में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। यह पाठ सोना और लोहा, इन दोनों के बीच जो संभाषण हुआ है, तो आइए किस प्रकार ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं हम भी तो सुने। नमस्ते बच्चों, आओ आज हम एक नया पाठ देखते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से ही होती है। जैसे कोई खिलाड़ी हो, कोई कलाकार हो, कोई गायक हो, हर कोई उसके विशेष गुणों से ही जाना जाता है। हमें भी हमेशा अच्छे गुण ही अपनाने चाहिए। आज का जो पाठ है सोना और लोहा, यह पाठ भी हमें अच्छे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान उसके रंग रूप के बजाय उसके सद्गुणों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। आज का ये जो पाठ है सोना और लोहा, यह संवाद रूप में दिया गया है। यहाँ सोना और लोहा आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आओ हम भी उनकी बातचीत सुनते हैं, समझते हैं। मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया,
लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। राजा की रक्षा तो उसके नौकर चाकर ही करते हैं। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर? मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है? मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। तू डाल डाल, मैं पात पात। डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। सोना और लोहा, इस छोटी सी नाटिका को हमने देखा है। ये दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, यह बात हमने समझ ली है। तो आइए आगे पाठ पढ़ते हैं। सोना कहता है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो यहाँ ये जो स्वर्ण है, ये जो सोना है, जिसे हम कनक भी कहते हैं, ये क्या कह रहा है कि मेरी भी क्या शान है। शान यानी ठाट बाट। तो जब भी हम कोई गहने की दुकान देखते हैं तो कितनी शानदार होती है। यहाँ रखे जो गहने होते हैं कितनी शान से शोकेस में विराजमान होते हैं। तो इस तरह सोने को अपने इस शान पर बड़ा गर्व है। वह क्या कहता है? देखो, जिसे देखो मुझे ही चाहता है, क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। अभी सोना जो धातु है, एक चमकीला धातु है, जो बड़ा महंगा भी होता है और सबको उसकी चाह होती है। तो ऐसा ही जो सोना है,
वह अपने रंग रूप पे बड़ा इतरा रहा है, तो लोहा उसे क्या कहते हैं? नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना अपने रूप पर इतरा रहा है, रूप यानी शक्ल सूरत। तो ये जो सोना है, यह अपने रंग रूप पर इतरा रहा है, उसे अपने रंग रूप पर बड़ा ही घमंड है। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये दोनों। सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग दे, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सच है बच्चों, जितने भी धातु है, इन सब धातुओं में सोना ही बहुत सुंदर ऐसा धातु है। उसका चमकता पीला रंग सबको भा जाता है। तो उससे आगे लोहा क्या कहता है? सोने, पहले तू यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। देखो तो अभी ये जो तिजोरी है, ये तिजोरी लोहे की बनी हुई है। लोहे की छोटी लेकिन मजबूत अलमारी जिसे तिजोरी कहा जाता है। तो सोना इतना कीमती है कि उसे हमेशा तिजोरी में रखा जाता है। इसलिए लोहा क्या कहता है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं। खतरा यानी डर, भय। अगर तिजोरी से हम गहने बाहर निकाल के रखते हैं और घर में कोई दूसरा आता जाता है, तो वह चोरी होने का, उस गहने की चोरी होने का डर होता है। इसलिए हमेशा सोने की चीजों को अलमारी में, तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। तो ये जो लोहे की तिजोरी है, वह सोने की रक्षा करती है। इसलिए लोहा कहता है, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। रक्षा यानी सुरक्षा, बचाव या हिफाजत करना। तो सोने की रक्षा कौन करता है? सोने की रक्षा लोहा ही करता है। आगे पढ़ते हैं पाठ। आगे सोना क्या कहता है देखते हैं। सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। तो देखो, यहाँ सोना खुद को राजा समझने लगा है और लोहे को अपना नौकर मान रहा है। नौकर यानि चाकर भी कहते हैं और सेवक जिसे कहते हैं। नौकर चाकर यानि सेवक। तो इस बात पर लोहा क्या कहता है देखते हैं। लोहा कहता है, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सच बच्चों, ये जो लोहा है वो बहुत मजबूत होता है और उसकी तुलना में सोना बड़ा नाजुक सा धातु है। अगर लोहे की एक हथौड़ी या लोहे का एक चाटा सोने पे पड़ जाए तो सोने का तो रूप ही बदल जाता है। चाटा यानी थप्पड़ या तमाचा। अगर लोहे का हथौड़ा किसी गहने पर पड़ जाए तो सोच लो उस गहने की हालत क्या हो जाएगी, उसका तो सारा रूप रंग बदल जाएगा। तो यहाँ जो लोहा है वो मजबूत है, सोना है वो नाजुक है। तो सोना, उसकी जो कमी है वो नाजुक है, यह बात भूल जाता है और अपने रंग रूप पर ही घमंड करने लगता है। तो लोहा उसे अपनी जगह दिखा रहा है। आगे का पाठ बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। देखो, यहाँ लोहा उससे बड़ा है, लेकिन डांट तो यह सोना ही उसे रहा है। और ऊपर से कहता है, मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो यहाँ घमंड के साथ साथ अब ये जो सोना है,
वह छोटे बड़े का लिहाज भी भूल चुका है। वह आगे यह भी कहता है कि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 रुपये है, तो लोहा 25-30 रुपयों में 1 किलो मिल जाता है। तो इस तरह अभी उसे अपने रंग रूप के साथ साथ अपने मूल्य का भी घमंड हो रहा है। और वह लोहे से कहता है कि तुम तो बिल्कुल कम दाम वाले हो। तो इस पर लोहा उसे क्या कहता है देखते हैं। लोहा कहता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तो जब यह सोना लोहे से कहता है कि तुम मुझे डांटना नहीं, तुम बड़े हो लेकिन मुझे डांटने का तुम्हें अधिकार नहीं। डांटना यानी फटकारना, झिड़कना। तो यह अपने बड़े भैया से डांट नहीं खाना चाहता है। और साथ साथ क्या कहता है, उसके 10 ग्राम का मूल्य 25,000 से ज्यादा है। मूल्य यानी कीमत, दाम या भाव। तो सोने को यहाँ अपनी कीमत पर भी गर्व है। तो उसे लोहा समझा रहा है कि अरे भाई, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का मूल्य रुपयों में लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। व्यर्थ यानि निरर्थक, बेकार या फालतू। हमें तो यह देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। उपयोगी यानि काम में आने वाला। अभी सोने की तुलना में लोहा हमें सभी जगह दिखाई देता है। लोहा कहाँ नहीं है, हर जगह लोहा है। वह हमारे घर में है, हमारे स्कूल में है, ऑफिस में है, ट्रेन में है, हर जगह लोहा हम देख रहे हैं। कारखाने तो लोहे से ही बने होते हैं, वह जो मशीनरी होती है लोहे से बनी होती है। तो इस तरह यह जो लोहा है हर एक का हाथ बटाता है। हाथ बटाना यानी सहायता करना, मदद करना। तो लोहा हमारे हर काम में मदद करता है, हाथ बटाता है। तो जो ज्यादा उपयोगी है उसकी ही ज्यादा कीमत होती है, उसका ही ज्यादा सम्मान होता है। यह बात तुम भी बच्चों ध्यान में रखना है। आओ आगे ये दोनों क्या कहते हैं देखते हैं। सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। देखो सोने के कहने की बात तो ये है कि 25-30 रुपए में किलो भर मिलने वाला ये जो सोना है वो कैसे पेट भरता है। तो अभी लोहा क्या क्या काम करता है यह बता रहा है। लोहा कहता है, अगर मैं न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। देखो किसान के जो औजार होते हैं, फावड़ा, कुदाल, खुरपी, ये तो लोहे से ही बने होते हैं। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। आपने देखा है कभी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है वो बनाते समय बहुत सारी मात्रा में लोहे का उपयोग किया जाता है। युद्ध में भी लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो आओ आगे हम लोहे के जो उपयोग होते हैं, लोहा कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, ये बात हम समझ लेते हैं। आओ देखते हैं। देखो तो किसान का जो ट्रैक्टर है, हल है, इसके लिए भी लोहे का उपयोग किया जाता है। ये जो किसान के औजार है, फावड़ा, कुदाल, खुरपी, ये बनाने के लिए भी लोहा उपयोगी है।
मकान बनाते समय भी भारी मात्रा में लोहे का उपयोग किया जाता है, तभी तो मजबूत मकान बन जाते हैं। और ये देखो तो, ये है युद्ध के अस्त्र शस्त्र, ये भी तो लोहे से ही बने हैं। आगे ध्यान से देखना, ये देखो तवे पर रोटी सेकी जाती है। रोजमर्रे के लिए जो गैस लगता है उसकी टंकियां भी लोहे से बनती है। ये तो सारी रोजमर्रा की चीजें जो है, जो औजार है या कढ़ाई है, ये भी लोहे से बनते हैं। आगे भी लोहे के उपयोग ध्यान से देखना। देखो तो, ये किसानों के औजार है या मैकेनिक के अलग अलग औजार है। इस तरह ये अलग अलग जो औजार है, ये सभी लोहे से बने हुए हैं। आओ लोहे के उपयोग एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। लोहा कहता है कि मैं न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल और खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा ही चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। अगर कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना नहीं हो सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर सेकी जाती है। सभी कुछ तो लोहे से ही बनता है। तो इस तरह लोहा बहुत ही उपयोगी धातु है। लोहे के और कुछ उपयोग देखते हैं। देखो तो, ये है बहुत सारे औजार जो किसान खेती करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यह औजार लोहार द्वारा बनाए जाते हैं। ये लोहार की भट्टी यहाँ दिखाई देती है। उसमें लोहे को पिघला जाता है और उसे ठोक कर या उसके सांचे में डालकर ये औजार बनाए जाते हैं। तो इस तरह किसान के जितने भी औजार है, सभी लोहे से बने होते हैं। लोहे के इतने सारे उपयोग देखकर अब सोना भी अपने उपयोग बताने के लिए उतावला हो गया है। वो कहता है, अंगूठी, माला, बाली ये लोहे से तो नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं हमेशा ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। देखो, अभी उसे इस बात का भी घमंड होने लगा है कि वह राजा महाराजाओं के साथ धनिकों के साथ रहता है। तो उसको इस बात का भी गर्व होने लगा है। क्या कहता है, मैं हमेशा ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सच है भाई, अगर सोना यहाँ वहां बिखरता है तो कोई भी उसे चुरा लेगा। तो उसे हमेशा अलमारी में बंद रखा जाता है या तो शरीर पर पहना जाता है गहनों के रूप में। इसलिए उसे थोड़ा घमंड हो गया है कि मैं हमेशा ऊंची जगह रहता हूँ। तो इस पर ये जो लोहा है क्या कहता है, देखो तो, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं तो किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। इन गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के तो दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। राजाओं के दिन लद गए, दिन लद जाना यानी बीती बात होना। अभी आपने कभी देखा है कोई राजा राज्य कर रहा है, उसकी प्रधानमंत्री सेवक है, उसके वो गहने पहनकर सिंहासन पर बैठकर राज चला रहा है, ऐसा कोई राजा अभी देख रहे हो क्या तुम? नहीं, राजा महाराजा ये तो अब पुराने जमाने में होते थे, अब तो उनके दिन लद गए, यानी राजाओं की बात अभी बीती बात हो गई। अब किसका युग है? यह श्रमिकों का युग है।
श्रमिकों के दिन है, तो लोहा बता रहा है कि मुझे इन श्रमिकों की, गरीबों की सेवा करने में ही सुख मिलता है, न कि राजा महाराजाओं के संग रहने में मुझे कोई दिलचस्पी है। तो इस तरह लोहा जो छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो हर एक खरीद सकता है। तो इस तरह लोहा जो है गरीबों की सेवा करता है। देखो अब सोने और लोहे में अपने अपने उपयोग बताने की जैसी की ओढ़ लगी है, वो अपने उपयोग बता रहे हैं। सोना कहाँ कहाँ उपयोग में आता है देखो, तो ये जो गहने हैं, अलग अलग तरह के गहने हैं, मालाएं हैं, अंगूठी है, बाली है, या देवी देवताओं के मुकुट है, ये बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता है। सोना हमेशा राजा महाराजाओं के साथ, धनिकों के साथ रहता है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा है वही यह कीमती धातु, सोने का धातु खरीद सकता है। देखा ना बच्चों, सोने का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सोना क्या कहता है, अंगूठी माला बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए तो मेरी ही तलाश होती है। तलाश करना यानी खोजना, हर एक को सोने की चाह होती है। ये राजा महाराजाओं का और धनिकों का प्यारा है और हमेशा ऊंची जगह रहता है। तो लोहा क्या कहता है, तू अगर राजा और धनिकों का प्यारा है तो मैं भी किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ, उनकी सेवा करने में ही मुझे सुख मिलता है। अब तो राजाओं के दिन लद गए हैं, अब तो श्रमिकों के दिन है। दिन लद जाना यानी बीती बात होना, अब के जमाने में राजा महाराजा नहीं है। तो इस तरह ये दोनों जो एक दूसरे को अपने उपयोग बता रहे हैं, आप भी समझ रहे हो ना, सोने के उपयोग और लोहे के उपयोग। तो आइए आगे का पाठ देखते हैं। देखो तो आगे ये दोनों क्या कहते हैं। सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। सच बात है, सोना जो है हमेशा तिजोरी में बंद होता है, वह बड़े आराम से तिजोरी में पड़ा रहता है। और वो क्या कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती है, क्योंकि वो इतना नाजुक है कि वह ज्यादा उपयोग में नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि मैं आराम से रहता आया हूँ और आगे भी आराम से ही रहना चाहूंगा। तो लोहा क्या कहता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सच बात है बच्चों, आराम हराम है। आराम हराम है यह जो घोषणा है, यह जो बात है, वह हमें चाचा नेहरू ने बताई है जब वे पंतप्रधान थे। तो हर एक को आराम तो करना चाहिए, लेकिन वो सीमित समय तक ही आराम होना चाहिए। हम काम करने के बाद जब थक जाते हैं, या दिन भर काम पढ़ाई करने के बाद थक जाते हैं, तो रात को सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन दिन रात आराम करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम हमेशा आराम ही करते रहेंगे तो अपनी प्रगति कैसे करेंगे, हमारे जो उद्दिष्ट है जीवन के उसे पूरा कैसे करेंगे। तो श्रम में ही जीवन की सफलता है। ये लोहा देखो कितना काम करता है, वह कारखानों में काम करता है, हमारे घरों में काम करता है, वह रेल में काम करता है, वह हर जगह काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इस जग में भी
जो व्यक्ति इस तरह हमेशा काम करेगा, दूसरों के उपयोग में आएगा, उसी का इस जग में सम्मान होता है। तो इसलिए ये जो लोहा है उसका बड़ा ही उपयोग होता है हर जगह। देखो तो बड़े बड़े कारखानों में या किसी व्यवसाय में लोहे का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। तो ये जो सोना है उससे कोई मेहनत नहीं होती है, क्योंकि वह बहुत ही नाजुक है, उसे मेहनत नहीं होती है, शारीरिक श्रम नहीं होते हैं, कष्ट करने की उसकी तैयारी नहीं है। तो ये जो लोहा है हर जगह दिखाई देता है, हर एक के काम में आता है, हर एक के लिए उपयोगी है, इसलिए उसका हर जगह सम्मान होता है, उसका आदर होता है। तो इस तरह सोना और लोहा, ये जो दो धातु है, इन धातुओं में से लोहे को ही हम हर जगह पाते हैं, लोहा ही हमें हर जगह दिखाई देता है। सोने ने और लोहे ने अपने सारे उपयोग तो बता दिए हैं, लेकिन जब लोहे ने कहा कि अब श्रमिकों के दिन है, तो सोना आगे क्या कहता है देखते हैं। सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो लोहा कहता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तो ये जो सोना है उसके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं रहा है, उसके अब कुछ उपयोग बताने के लिए उसके पास नहीं है, तो वो थोड़ा सा घबरा गया है। घबराहट होना यानी घबराने की अवस्था होना। तो उस बात पर ये लोहा उसे थोड़ा धीरज देता है। लोहा उसे क्या कहता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि तू अगर उत्तम है तो मैं भी अति उत्तम हूँ, आप अगर शेर है तो हम सवा शेर है, इसका मतलब है तुमसे भी ज्यादा मैं निपुण हूँ, तुमसे भी ज्यादा गुण मुझमें है, लेकिन तुम डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ। सच है ना कि लोहे की अलमारी में ही सोने को हिफाजत से रखा जाता है। तो ये उसे और भी धीरज देता है और क्या कहता है कि मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन एक बात तो तुझे मेरी माननी पड़ेगी, वो बात यह है कि तू घमंड करना छोड़ दे। घमंड करना यानी अहंकार या अभिमान होना। तो सोने का जो अपने रंग रूप पर, अपनी कीमत पर जो घमंड था, उस घमंड को उसे छोड़ देना चाहिए, यह बात लोहे ने उसे कही है, बताई है। तो आगे भी हम देखो तो बच्चों, यहाँ लोहे ने सोने को क्या छोड़ने को कहा है, घमंड छोड़ने को कहा है। तो इस पर सोना क्या कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। तो लोहा कहता है, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो ये जो सोना है जिसे अपने रंग रूप और कीमत पर बहुत घमंड था, यह घमंड वह छोड़ देने वाला है। और जो लोहा है जो हमेशा सोने की हिफाजत करता है, वह भी सोने की आगे भी रक्षा करेगा। तो इस तरह इस नाटिका द्वारा हमें सोने और लोहे के क्या क्या उपयोग होते हैं यह मालूम हुआ है। उसी के साथ ही सोने जैसा हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये बात भी समझ में आ गई है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी होना, यह बात हमने लोहे से सीखी है। तो ये जो दोनों धातु है, ये धातुओं के माध्यम से ये रामेश्वर दयाल और दुबे जी जो है, इन्होंने जो सुंदर नाटिका लिखी है,
इस नाटिका को आप 2 या 3 बार जरूर पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सारे संवाद को याद कर लेना और आगे जाके अपने दोस्त, अपने भाई या अपने बहन के साथ यह नाटिका प्रस्तुत करना। यह नाटिका प्रस्तुत करने के लिए अभी आपको कहीं जाना तो नहीं है, सिर्फ आपके घर में ही यह नाटिका जरूर आप प्रस्तुत करना। और ये पाठ जो है, इस पाठ से जो सीख मिलती है उसे कभी भूलना नहीं। क्या सीख मिलती है? कि घमंड नहीं करना है और सभी के उपयोग में आना है, अच्छे गुणों को अपनाना है। तो जरूर ये बातें ध्यान में रखेंगे। स्वाध्याय, प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो। और सोने का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वो लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बच्चों, आज हमने सोना और लोहा यह पाठ पढ़ा, पाठ को समझा, सोने और लोहे के उपयोग को जाना। तो ये जो पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत और अंत में हमारे लिए कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं। ये स्वाध्याय हम अगले वीडियो में पूरे करेंगे। तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में सोना और लोहा इस पाठ के स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए 6ठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। आज हमने जो पाठ पढ़ा है आपको पसंद जरूर आया होगा। मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।